एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है, उस पर जरा चार्ट्स कुणाल जी तैयार कर लीजिएगा और वो चार्ट्स होंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि जो खबर आ रही है वो ये है कि विंडफॉल टैक्स की समीक्षा आज नहीं हुई। पिछले दो दिनों से काफी इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही थी, हल्ला गुल्ला हो रहा था, खबरें आ रही थी कि विंडफॉल टैक्स पर फिर से विचार किया जाएगा। हमें लग भी रहा था कि यह खबर सही नहीं है, इसलिए हमने ये खबर दो दिनों से चलाई नहीं, परहेज किया, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है, खबरें ढेर सारी आए तब आप ना चलाएं। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है वो ये कि आज किसी तरह की कोई समीक्षा नहीं, तो जो स्टील कंपनियां, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां ये सोचे थी कि विंडफॉल टैक्स जो लगाया गया स्पेशली पेट्रोल डीजल के एक्सपोर्ट पर वो जल्दी से हटेगा, ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पिछले दो दिनों में काफी कुछ इसी खबर के दम पर मूव करता हुआ भी दिखा था, तो आइए अब देख लेते हैं। आई थिंक डे लो के आसपास आ गया, रिलायंस 2400 के नीचे आता हुआ दिख रहा है। कुणाल जी चार्ट देखिए रिलायंस के जरा। अनिल जी देखिए चार्ट पर कमजोरी साफ दिख रही है, लेकिन एक सपोर्ट है 2370-72 के आसपास, 2370 का एक सपोर्ट है, जिस सपोर्ट को ये स्टॉक 4-5 दिनों से लगातार रिस्पेक्ट कर रहा है, तो 2370 के नीचे अगर स्टॉक निकलता है तभी कोई एग्जिट करना चाहिए। फिलहाल वेट एंड वॉच करें, मुझे लगता है एक सीमित दायरे का कारोबार दिखेगा और 2420 के लेवल से ये स्टॉक पार कर ले तो इसमें आपको एक रिकवरी भी आते हुए दिख सकती है। वेट एंड वॉच करने के लिए है 2370 का स्टॉप लॉस रखें। ओके तो ये है आपके लिए रिलायंस पर आए। अमरीश सर एक बार जरा आप भी रिलायंस पर राय दे, फिलहाल तो खबर जो आ रही कि विंडफॉल टैक्स पर आज किसी तरह की कोई समीक्षा हुई नहीं है। ये तो नेगेटिव केली है क्योंकि लास्ट 3-4 दिन से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ रिव्यू होगा, और दूसरी बात है कि इवन फॉर Q1 यदि रिजल्ट्स अच्छे भी आते हैं तो भी इसका इफेक्ट शायद नहीं आएगा, क्योंकि विंडफॉल टैक्स का जो इफेक्ट है वो Q2 में आएगा, एंड बिकॉज ऑफ विच अपसाइड मुझे लिमिटेड लग रहा है। साइड लिमिटेड है तो थोड़ा सा इंतजार करें, हड़बड़ी और जल्दबाजी ना करें खरीदने की। ये राय है आपके लिए अमरीश सर की तरफ से आती हुई।